शाहीनबाग का हल निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त मध्यस्थता पैनल आज फिर शाहीनबाग जाएगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त वार्ताकार वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन शाहीनबाग पहुंचे थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सुलह के फॉर्मूले पर बात की थी। इस दौरान वार्ताकारों ने शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़कर भी सुनाया। कॉरपोरेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस की पहली यात्रा आज से शुरू होगी। ट्रेन वाराणसी से उज्जैन और इंदौर जाएगी। शिवरात्रि के मौके पर शुरू हुई ये ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग इंदौर में श्री ओमकारेश्वर, उज्जैन में श्री महाकालेश्वर और वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को आपस में जोड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर आज सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे तक वो सहजनवा के बसिया गांव में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। तो सीएसआर फंड से गांव में सड़क के अलावा वहां के सरकारी विद्यालय के भवन को रिनोवेट भी कराया है। तो वहां से मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे वो मानसरोवर मंदिर जाएंगे। उनकी मौजूदगी में ही प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वाराणसी में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव की उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। 20 फरवरी से 22 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव को राजघाट पर आयोजित किया जा रहा है। तो शिवरात्रि के पहले शिव की नगरी बनारस में भक्तों का रेला उमड़ने लगा है। मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। तो शहर में सफाई अभियान भी तेज कर दिया गया है। यहाँ समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुरादाबाद मंडल के 3 दिवसीय दौरे के चलते तीसरे दिन अमरोहा पहुंची, जहां राज्यपाल ने निरीक्षण करने के बाद अमरोहा में बान नदी का जीर्णोद्धार भी किया। इसी कड़ी में अमरोहा पहुंची राज्यपाल ने किसानों के साथ वार्ता करने के बाद सामाजिक संगठनों से भी बात की। राज्यपाल ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों से बातचीत की। पूर्व सीएम अखिलेश यादवगढ़ में पैर जमाने के प्रयास में जुटी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर बड़ा सियासी दांव खेला है। सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद आजमगढ़ आई प्रियंका गांधी ने जिस बच्चे से मुलाकात की थी उसके लिए गिफ्ट भेजा है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को विद्यागंज जाकर बच्चे को गिफ्ट सौंपा। इस दौरान बच्ची ने दावा किया कि प्रियंका गांधी अक्सर उससे फोन पर बात करती है। अयोध्या में सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई, किसानों की समस्या और प्रदेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था और बजट के खिलाफ गैस सिलेंडर और गन्ना के साथ प्रदर्शन किया। तो साथ ही सपा अयोध्या विधानसभा और महानगर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए गुलाबबाड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया भवन से सिविल लाइन के लिए कूच किया। रामपुर के श्रीहरि कोहना इंटर कॉलेज में छात्रों को गलत पेपर बांट दिया गया। प्रशासन की लापरवाही से इंटर के छात्रों को सामान्य हिंदी की जगह साहित्य हिंदी को पेपर दिया गया तो हतोत्साह हुई। जब शिकायत करने पर इन्विजिलेटर ने छात्रों पर गलत पेपर को ही हल करने का दबाव बनाया। पेपर के बाद छात्रों ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की। नोएडा बिजली विभाग के डीडी को गलत तरीके से भुनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। डीडी भुनाकर 1,65,00,000 की राशि निकाली गई थी और इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस फर्जीवाड़े में पीएनबी बैंक का डिप्टी मैनेजर समेत बिजली विभाग के कर्मचारी शामिल थे। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 78,00,000 की रकम के साथ फर्जी मोहर भी बरामद की। बोर्ड परीक्षा में सभी सेंटरों में लगाए गए सीसीटीवी अब साल भर लगे रहेंगे। शासन ने यह फैसला लिया है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ाई को परखा जाएगा। अध्यापक किस तरह से क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने बच्चे क्लास में आ रहे हैं, इन सभी बातों पर अब उत्तर प्रदेश शासन अपनी निगरानी रखेगा। यूपी में तहसील दिवस में संबंधित पुलिस कर्मियों को मौजूद रहने का शासनादेश है, उसके बावजूद लगातार पुलिस अधिकारी और संबंधित थानेदार तहसील दिवस से दूरी बना रहे हैं। लखनऊ जिलाधिकारी ने इस बाबत कड़ा रुख अपनाते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर तहसील दिवस से दूरी बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर एक्शन लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
प्रतापगढ़ के किशोरी सदन में खड़ी एक बाइक को चोर शातिराना अंदाज में लेकर फरार हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चोर के बीच से बड़े आराम से बाइक को चुरा कर ले जाता है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर बाइक ढूंढने की गुहार लगाई। मेरठ थाना लेसाड़ी गेट क्षेत्र के उज्जवल गार्डन कॉलोनी में शादी समारोह के दौरान पर्स गायब होने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में घर जाकर भी मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। रायबरेली के लालगंज कस्बे में बुधवार को सराफा मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सराफा दुकानदार की दुकान में पहुंचकर एक बाइक सवार ज्वेलरी उठाकर फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई। इसके साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सीतापुर के थाना मानपुर क्षेत्र में कोटे के चुनाव के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ पूरी घटना। इस दौरान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत अधिकारी को भी बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर चुनावी पैसा लेने का आरोप लगाया है। ललितपुर के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में स्कूली मासूम बच्चों के साथ टीचर की तरफ से की गई पिटाई के मामले पर बाल संरक्षण आयोग सख्त नजर आया है। आयोग की जांच रिपोर्ट में बच्चों की पिटाई होने की पुष्टि हो चुकी है। एक प्रेस वार्ता के दौरान आयोग की सदस्य नीता साहू ने बताया कि स्कूली बच्चों के साथ मारपीट का मामला सही है। फरुखाबाद के थाना कमलागंज क्षेत्र में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं एसपी ने हत्याकांड का जल्द खुलासा करने के लिए कहा है। मेरठ के थाना किठोर इलाके के किठोर कस्बे में मेन अंबेडकर मूर्ति के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब दबंगों ने इलाके में आकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इलाके में फायरिंग से भगदड़ मच गई। फायरिंग की पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानपुर के बजरिया क्षेत्र के तकिया पार्क इलाके में हिस्ट्री शीटर को घर की छत से फेंकने का पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगा है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी हिस्ट्री शीटर को गंभीर हालत में अस्पताल में छोड़कर भाग गए। मुजफ्फरनगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चलते जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बुधवार को बैंक्वेट हॉल में जनपद के सभी ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला पर कानूनों, महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा और कई योजनाओं की जानकारी दी गई और गाँव की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इटावा में ग्राम प्रधानों ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों की नाराजगी की मुख्य वजह यह थी कि जिला प्रशासन ने विकास भवन में जल संसाधन को लेकर बैठक बुलाई थी और बैठक में खुद जिलाधिकारी और सीडीओ ने नहीं पहुंचे। बस इसी से नाराज होकर ग्राम प्रधानों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और विकास भवन परिसर में ही धरने पर बैठ गए। ग्राम प्रधानों के धरने का समर्थन करने सपा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष भी पहुंच गए और जब इसकी जानकारी सीडीओ को हुई तब वो तुरंत धरना स्थल पर पहुंचकर माफी भी मांगी, साथ ही बैठक में ना आने की वजह भी बताई। अलीगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां मामला गांधी पार्क थाना इलाके का है। एक युवक ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर खुद को जेल भेजे जाने की मांग की, तो वह जब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। युवक का कहना है कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी किसी महिला से लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद महिला अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंच गई और युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। ऐसे में युवक का आरोप है कि इसी बीच पुलिस कई बार उसे थाने ले गई और पैसे ऐंठ कर छोड़ दिया, लेकिन युवक के पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो पुलिस को दे सके। ऐसे में युवक ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर खुद को जेल भेजे जाने की मांग की है। ठेले से बालू ढोकर जिसे पाला था आज यूं छोड़कर चला गया, कहना एक बाप का है जिसका बेटा सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़कर चला गया। और घटना अंबेडकर नगर के, जहां दो दोस्त को परीक्षा केंद्र पर छोड़कर वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। रामनगर में 9 महीने के नवजात बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल राहगीरों ने कुत्ते को नवजात बच्चे के शव को अपने मुंह से दबाकर लाते हुए देखा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे के शव को कुत्ते से छुड़ाया। लोगों ने नवजात बच्चे के मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी।
उत्तरकाशी के बड़कोट में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को निःशुल्क सहायक उपकरण दिए गए। शिविर में 584 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण बांटे गए। तो वहीं जिनका इसका लाभ नहीं मिल पाया उनको दोबारा से शिविर लगाकर उपकरण दिए जाएंगे। कीर्तिनगर के धारी ढूंढसिर के ग्रामीणों ने जल संस्थान की तरफ से भेजे गए पानी के सालों पुराने बिलों के भुगतान का विरोध किया। विभाग ने वसूली राजस्व विभाग को सौंपा, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने कीर्तिनगर के एलसीएम और जल संस्थान के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरसी काटी गई है। जल संस्थान पानी के बिलों की वसूली के लिए राजस्व विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि आज तक उन्हें विभाग की तरफ से पानी के बिल नहीं दिए गए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने देहरादून में साल 2017 से साल 2019 तक 3 परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी मामले में मुकदमे दर्ज किए हैं। जिन मामलों पर जल्द कार्रवाई के लिए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने एसआईटी बनाई है। एसआईटी के प्रभारी सीईओ सीटी शेखर सवाल करेंगे और जिसकी रिपोर्ट हर हफ्ते डीआईजी अरुण मोहन जोशी देंगे। काशीपुर में अग्निशमन विभाग की तरफ से मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को आग लगने के दौरान बचाव आपको बुझाने के बारे में जानकारी दी। बता दें कि अग्निशमन विभाग के मुख्यालय की तरफ से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई महीने मॉकड्रिल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश मिले हैं, जिसके चलते काशीपुर के अग्निशमन विभाग की तरफ से रतन सिनेमा रोड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने काल्पनिक परीक्षण कर लोगों को बचाया। उसके उपरांत लोगों को आग बुझाने और उससे बचने के बारे में जानकारी दी। अग्निशमन विभाग की लीडिंग फायरमैन ऑफिसर भीमानंद ने बताया कि मुख्यालय के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। उसके उपरांत हर महीने विद्यालयों में जाकर लोगों और छात्र छात्राओं को आग से बचने और बुझाने के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे लोग जागरूक हो सके। रुड़की में लंबे वक्त से गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब गन्ना किसानों को चीनी मिल प्रबंधन भुगतान कर राहत देने की बात कर रहा है। प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन रोड ने आरोप लगाया है कि इकबालपुर चीनी मिल प्रबंधन पर उनका करोड़ों का बकाया है, जिसके लिए किसान लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। वहीं इकबालपुर थन के एग्रो प्रोडक्ट शुगर मिल के प्रबंधक सुरेश शर्मा ने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए मिल प्रबंधन जल्द ही 2019-20 तक का पूरा भुगतान जारी करेगा, जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि चीनी की डिमांड कम होने की वजह से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो पाया था, लेकिन अब मार्केट में चीनी बिकने लगी है, जिसके बाद किसानों को भुगतान शुरू हो चुका है। राजधानी लखनऊ के महानगर थाना इलाके में स्थित विवेकानंद अस्पताल में मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। तीमारदारों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि 14 जनवरी को शरीर पर इंफेक्शन को लेकर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मरीज की मौत के बाद भी डॉक्टर परिजनों से कहकर पैसे ऐंठते रहे कि मरीज अभी भी जीवित है, जबकि मरीज की मौत हो चुकी थी। यही नहीं, शव देने से पहले डॉक्टरों ने पूरे पैसे जमा करवा दिए। हापुड़ के धोलाना तहसील से कर्मचारी का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी फाइल आगे बढ़ाने के लिए 500 रुपए की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि रिश्वत मांगते दिख रहे धोलाना तहसील में मदनलाल बाबू के पद पर तैनात है। कौशाम्बी में पुलिस ने एक युवक को भगवान विष्णु की बेशकीमती मूर्ति के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मूर्ति का वजन 170 ग्राम बताया जा रहा है। तो गिरफ्तारी के वक्त दो आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। अब दोनों आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। महाराजगंज में 500 रुपए को लेकर शुरू हुए विवाद ने एक शख्स की जान ले ली। मामला महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना इलाके का है, जहां एक शख्स ने अपने दोस्त को 500 रुपए उधार दिए थे और अपने पैसे मांगने पर उधार लेने वाले शख्स ने मारपीट कर दी, जिसके बाद उधार देने वाले शख्स की मौत हो गई। तो वहीं वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जालौन के टिहर गांव में हुई मूर्ति चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में मूर्ति के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। दरअसल जालौन के टिहर में कुल मंदिर के अंदर से कुछ चोरों ने राधा कृष्ण की मूर्ति चुरा ली थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से दो पीली धातु की मूर्तियां और 3 सफेद मूर्तियों की माला और 1 लोहे की रॉड बरामद की।
गाजीपुर के सोहावल इलाके में दहेज के चलते एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। मृतक के घर वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर उसका शव गायब कर दिया और इस मामले में मृतक के घर वालों का ये भी कहना है कि कुछ दिन पहले उनकी बात मृतक से हुई थी और तभी उसने दहेज के लिए परेशान करने और हत्या की साजिश करने की बात कही। प्रयागराज में पुलिस ने लग्जरी वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच और घूरपुर पुलिस की शिकायत पर टीम ने गिरोह के सरगना समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस छह लग्जरी गाड़ियों को भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अपराधी लंबे वक्त से लग्जरी गाड़ियों को चुराने का काम कर रहे थे। वाराणसी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने करोड़ों रुपए के अवैध गांजे की खेप बरामद की है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 20 क्विंटल गांजे के साथ दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ के गांजे को वाराणसी में डिलीवरी के लिए उड़ीसा ले जाया जा रहा था। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी पुलिस ने कई बार अवैध गांजे की खेप को बरामद कर चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकायत की है कि व्यापार के मामले में भारत उनके देश के साथ कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। उन्होंने ये संकेत दिया कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारत के साथ किसी बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की संभावना कम है। पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत के इजाफे कर रहा है तो वहीं मंगलवार को उसने क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया। राड 2 के सफल परीक्षण के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि भारत के लिए क्रूज मिसाइल कितना खतरनाक हो सकता है और ये भारत के किन टारगेट को हिट कर सकता है। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। वो इस बार ब्लैक लिस्ट में डाले जाने से खुद को बचा ले गया है। पाकिस्तान को तुर्की और मलेशिया का समर्थन मिल गया था जिसके चलते उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि बैठक अभी भी जारी है और अंतिम फैसला 21 फरवरी को आएगा। पाकिस्तान में शायद अपनी तरह के पहले फैसले में एक अदालत ने नाबालिग हिंदू लड़की की शादी को अमान्य ठहरा दिया है। इस लड़की को इस्लाम कबूल करवाकर सिंध प्रांत में एक मुस्लिम लड़के से शादी करा दी गई थी। मैन वर्सेस वाइल्ड के जाने माने होस्ट बियर ग्रिल्स और साउथ के सुपरस्टार जनरल रजनीकांत एक नए एपिसोड इनटू द वाइल्ड में एक साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में बियर ग्रिल्स ने इस शो की पहली झलक लोगों के साथ शेयर की है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब रजनीकांत अपने 44 साल के करियर में छोटे पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं, इसलिए इसे रजनीकांत का टीवी पर डेब्यू भी कहा जा रहा है। इस बात की घोषणा पहले कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी। फिल्म थप्पड़ के अभिनेता पावल गुलाटी को पहले ये फिल्म एक तरफा कहानी बताने वाली लगी थी और वो इस फिल्म में काम करने के बारे में निश्चित नहीं थे, लेकिन अनुभव सिन्हा के निर्देशन में काम करने पर उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म घरेलू हिंसा की सामान्य मान्य जैसे बड़े मुद्दे पर चोट है। मेड इन हेवन घोस्ट स्टोरीज जैसी वेब सीरीज और टीवी शो युद्ध से मशहूर हुए पावल फिल्म थप्पड़ में अपनी हिस्ट्री तापसी पन्नू के साथ काम करते नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म बागी 3 एक साथ नजर आने वाली हैं और इस फिल्म का पहला गाना 10 बहाने कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था जो एक रिमिक्स था। कुछ देर पहले ही इस फिल्म का एक और गाना रिलीज हो गया है जो एक बार फिर एक पुराने गाने का नया वर्जन है। इस फिल्म का नया गाना भंकस रिलीज हो गया है जो बप्पी लहरी का सुपरहिट गाना रह चुका है। एक्ट्रेस रवीना टंडन, फिल्म निर्देशक फराह खान और हास्य कलाकार भारत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ पिछले साल से कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने महाराष्ट्र पुलिस को शिकायती पत्र लिखकर तीनों को गिरफ्तार करने की मांग की। चीन में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण का असर भारत में चल रही एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भी दिख रहा है, जहां जापान, कोरिया और चीन ताइपे के पहलवानों को मंगलवार को मास्क में देखा गया तो दूसरे देशों के पहलवानों और अधिकारियों ने हालांकि कहा कि वो एहतियात के तौर पर मास्क लगा रहे हैं। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया। सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन प्रतियोगिता में 27 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और फाइनल में सुनील कुमार की टक्कर किर्गिस्तान के सालिनोव से हुई जिसमें उन्होंने 5-0 से एक तरफा जीत दर्ज की।
न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों के अच्छे स्वभाव से प्रभावित भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि अगर उनकी टीम को आईसीसी का नंबर एक स्थान किसी टीम के साथ साझा करना पड़ा तो वो कीवी टीम होगी। भारत के स्टार बल्लेबाज के न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने साथ बहुत अच्छे संबंध है और वो अक्सर उनकी तारीफ भी करते हैं। टी20 सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड का सफाया करने के बाद भारत को वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, मगर अब कप्तान कोहली की नजर 21 फरवरी से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज पर है। इस सीरीज में हर किसी की नजर भारत की ओपनिंग जोड़ी पर रहेगी। दरअसल चोट की वजह से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज दोनों से बाहर हो गए थे, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि मयंक अग्रवाल के साथ ओपनिंग कौन करेगा। कोहली के पास पृथ्वी शो और शुभमन गिल के रूप में दो विकल्प मौजूद। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा जिम में कम ही नजर आते हैं तो वो अक्सर मैदान पर पसीना बहाते भी दिखते हैं, मगर टीम इंडिया में जल्द वापसी के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में चोटिल हुए रोहित शर्मा ने दर्द में भी वर्कआउट करना शुरू कर दिया है और उनकी कोशिश आईपीएल से पहले टीम में वापसी करने पर है।